तो आज हम लोग देखेंगे 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्ग का रुमाल पर 9 वृत्त का डिजाइन, वृत्त के आकार का जो है डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति में रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति आपका कुछ ऐसे है, ऐसे ये बड़का जो है रुमाल है और इसमें जो है 7-7 सेंटीमीटर के, और एक दूसरे को जो है टच करते हुए तीन तीन को जो है वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, एक समान वृत्त हैं, ठीक है, तीन तीन को वृत्त हैं एक समान, और एक दूसरे से जो है टच कर रहे हैं, एक दूसरे से टच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो छूट रहा है इसी के भाग का जो क्षेत्रफल बताना है, और इस वृत्त की जो है प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, फिर ये जो है आपका 7 हो जाएगा, यानी कि इसका व्यास जो है कितना हो जाएगा, 14। त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 हो गया, ठीक। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 14 हो गया, व्यास 14 हो गया, फिर इस वृत्त का व्यास जो है 14 हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 14 हो गया। ठीक है, 14-14 का इसका व्यास हो गया वृत्त का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 14, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14। ठीक है, यानी कि इस बर का भुजा 14 × 42 हो गया, यानी कि बर की भुजा कितनी हो गई, 42 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या इसमें जो है वह जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, देख रहा है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हॉल। देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है, ये 9 वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाल लेना है, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, और एक वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्र मतलब एक वर्ग में 9 वृत्त बैठे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्त का जो क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, तो ये वाले शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यही काम करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे दिया है वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या दिया है कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, और वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से हम लोग वर्ग का भुजा ज्ञात कर सकते हैं, तो वर्ग का भुजा जो है ज्ञात किया गया है, तो वर्ग का भुजा आपका जो है 42 सेंटीमीटर हो गया है, क्योंकि 14 × 42, 14 14 14, 14 × 42 सेंटीमीटर, ये जो है आपका वर्ग का भुजा हो गया है। और वृत्त की त्रिज्या हम लोग को पता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, एक वृत्त का, तो 9, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद उसी में 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो फल एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो एक वृत्ताकार, एक वृत्ताकार डिजाइन, एक वृत्ताकार यानी कि एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है, संकेत में दिया गया है, और आर का मान 7 ले लेना है। ठीक है, तो 22/7 इंटू 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 14, 7 × 14 = 154 सेंटीमीटर² हो गया एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल 154 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि एक वृत्त का वह एक वृत्ताकार डिजाइन, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 है, तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का 154, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 × 154 है
9 गुणे 154 करेंगे तो 9 चौके 36 के 64 3 और 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हासिल 4 और 9 4 9 को 9 चार 13 86 हो जाएगा। ठीक है तो 13 86 हो गया। कौन सी? 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल 1386 हो गया। तो अब 9 वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, अब वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, सूत्र इसका भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का वर्ग करें तो 42 गुणे 42, भाई वर्ग का एक भुजा 42 है तो 42 गुणे 42 करेंगे। अब 42 गुणे 42 करेंगे तो इसका आ जाएगा 1764। कितना आ जाएगा? 1700, 42 गुणे 42 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं 1764 है और 9 वृत्तों का क्षेत्रफल 1386 है। ठीक है तो 1764 में से 1386 घटा दीजिए, तो 1764 में से 1386 घटाइए, 14 में से 6 जा 8 हैं, 14 में से 6 जा 8, यहाँ बचा 15, 15 में से 8 जा 7 हैं, फिर यहाँ बचा 6, 6 में से 3 जा 3 और फिर 1 में से 1 जा 0। तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है शेष भाग का आपका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है यही आपका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है तो अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि आकृति में ओ ए सी बी, ओ ए सी बी आकृति में ओ ए सी बी, ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। केंद्र ओ, तो केंद्र ओ और इसका केंद्र ओ से बी तक समझिए इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है वाला एक चतुर्थांश है, यदि ओ डी, यदि ओ डी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्षेत्रफल का मतलब ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओ ए सी बी यानी कि चतुर्थांश, पहला कह रहा है कि चतुर्थांश, चतुर्थांश चतुर्थांश ओ ए सी बी का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है तो देखिए अगर हम लोगों को चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका मतलब हम लोगों को चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चतुर्थांश का मतलब वृत्त का जो है 4 भागों का 1 भाग। ठीक है तो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 कर देते हैं तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है तो चतुर्थांश की त्रिज्या हम लोग कितना दी गई है? इस चतुर्थांश की त्रिज्या जो है 3.5 है। ठीक है चतुर्थांश वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, चतुर्थांश वृत्त की त्रिज्या, चतुर्थांश वृत्त का त्रिज्या कितना है? तो 3.5 है। ठीक है तो इस चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा?
तो 1/4, चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4 πr² तो 1/4 π का मान 22/7 लेना है, हिंट में कहा गया है, ठीक है, तो 22/7 ले लेते हैं, और त्रिज्या का मान 3.5 ले लेंगे क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या 3.5 है, ठीक है, तो 1/4 × 22/7 इंटू 3.5 × 3.5 हो जाएगा, ओके, 1/4 × 22/7 × तो आप देखिए 3.5 है तो 35/10 भी लिख सकते हैं, और गुणे 35/10 भी लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान है ना, दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 को 0 ले लेंगे यानी कि 10 ले लेंगे बट्टे में, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए 7 से 7 5 35, 5 से 5 2 10, फिर जो है 2 × 22 हो जाएगा, फिर 5 से काट सकते हैं, 5 7 35, अब 5 2 10, अब जो है कटने वाला नहीं है, तो ऊपर 11 × 7 है तो 11 7 77 हो जाएगा, और नीचे जो है कितना है तो 4 2 8 है, ठीक है, तो 77/8 cm² जो है आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, एक आंसर ये हो गया, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब कह रहा है शेष भाग का भी क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका हो गया इतना, तो इस भाग का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो आराम से आपका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ डी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला हुआ है 77/8, और माइनस में क्या कर देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लगा देंगे 1/2, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, चतुर्थांश है तो 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो यानी कि 3.5 है गुणा ऊंचाई 2 है, तो 2 तो 77/8, 77/8, और माइनस में 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है, ये जो है 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका इसको गुणा कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो 77 − 35 × 8 हो जाएगा, 3.5 × 8, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 8, ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 77 − 8 = 40 के 7 4, 8 × 3 = 24 4 28, 24 4 28, 1.1 को स्थान पे लग जाएगा, ठीक है, बटे में हो जाएगा 8। अब 77 में से 28 घटा दीजिए, तो 77 में से अगर 28 घटाते हैं हम लोग तो कितना हो सकता है, 17 में से 8 जा 9, 6 में से 2 जा 4, 49, अब बटे में कितना हो जाएगा 8, तो 49/8 cm² जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका हो गया 49/8, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल निकाल दिया गया है, ठीक है, और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 और 14, ठीक है, 13 14 देखेंगे, इसके बाद से 15 16 देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कक्षा 10 के जो है सभी सब्जेक्ट का तैयारी आप लोगों को इस पर कराया जाएगा, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।